सफर करने के लिए सबसे खूबसूरत माध्यम होती है ट्रेन, लेकिन थोड़ा वक्त ज्यादा लेती है। ऐसे ही देश में बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारियां की जा रही हैं। भारत का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट मुंबई से अहमदाबाद के बीच ट्रेन चलाने के लिए तैयार हो रहा है। ये सब हो रहा है ट्रेन की तेजी के लिए। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी ट्रेन भी है जो सबसे धीरे चलती है, जिसे सबसे आलसी ट्रेन कहा जाता है। जी हाँ, नीलगिरी माउंटेन रेलवेज ऐसी ट्रेन है जो पूरे 5 घंटे में केवल 46 किलोमीटर का सफर पूरा करती है। इतनी धीमी गति से चलने वाली ट्रेन में भी कई लोग सफर करते हैं और रेलवे खूब पैसा भी वसूल करता है। इस ट्रेन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया है। ट्रेन में 16 सीटें फर्स्ट क्लास में हैं और 214 सीटें सेकंड सीटिंग क्लास में हैं। ये ट्रेन तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वतों में चलाई जाती है, जिसे बहुत ही ज्यादा टेढ़े मेढ़े पहाड़ी वाले रास्तों से होकर गुजरना होता है। ये मेट्टुपल्लयम शहर से चलना शुरू करती है जो ऊटी तक जाती है। ट्रेन खड़ी चढ़ाई चढ़ती है, इसीलिए इसे चलने में इतना समय लगता है, लेकिन वापसी केवल 1 ही घंटे में कर लेती है। इस ट्रेन में सफर करना यात्री इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि 46 किलोमीटर की यात्रा के दौरान ये ट्रेन 250 पुलों, 208 घुमावदार मोड़ों और 16 सुरंगों से गुजरती है। यात्रा के दौरान पश्चिमी घाट के कई मनमोहक दृश्य देखने को मिलते हैं। यात्री बड़े ही चाव से इस सफर को पूरा करते हैं और यात्रियों की ही खुशी इस ट्रेन को बनाती है सबसे धीमी ट्रेन।